जो कच्चा सिंघाड़ा आता है उसी का आज मैं अपने किचन में सिंघाड़ा का चिप्स लेके आई हूँ। तो आज मैं कच्चे सिंघाड़े से आपको चिप्स बनाना बताऊंगी, और उसे आप ब्रेड में भी खा सकते हैं और नॉर्मल भी खा सकते हैं। तो इसके लिए हम देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, अब इसमें हम डालते हैं तेल। देखिए हमने थोड़ा सा तेल डाला, अभी तेल हमारा हीट हो जाएगा तब हम इसमें सिंघाड़ा डालेंगे। तो चलिए हम इसे तल लेते हैं। तेल हमारा हीट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिंघाड़ा को हमने कट किया है, ये हमारा कट हो चुका है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। गैस धीमे ही रखिएगा ताकि ये लाल हो जाए। जब हमारा तेल हीट हो जाएगा, देखिए इसी तरीके से इसमें जाने के बाद ये बबल छोड़ने लगेंगे। अभी धीमे धीमे पकेगा, क्योंकि हम तेज में अगर इसे पकाएंगे तो ये लाल हो जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमें तो इसका चिप्स चाहिए, तो थोड़ा सा कुरकुरा चाहिए, क्रिस्पी। तो इसीलिए हमने इसे धीमे में ही कर रहे हैं। चलिए हमारा हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा ये चिप्स तैयार हो गया है सिंघाड़ा का। अब इस पे हम थोड़ा सा इसका टेस्ट ले आने के लिए अब इसमें हम मसाला डालेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये कुरकुरा भी है और क्रेप्सी भी है, जैसे हम आपको आवाज भी सुना रहे हैं, सुन सकती हैं कि ये कितना कुरकुरा बना हुआ है। अब इसमें हम डालते हैं मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, ऐसे डालिए कि चारों तरफ इसमें फ्लेवर आ जाए जीरा का। अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये सादा नमक है, आप चाहे तो ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकती हैं इस तरीके से। अब हम तीखा करने के लिए डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो काली मिर्च भी इसमें डाल सकती हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो डालिए। अब डालेंगे हम थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए चाट मसाला, देखिए थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि थोड़ा सा टेस्ट इसका और बढ़ जाए। अगर आप व्रत में खा रही हैं तो आप व्रत वाला आइटम डालिएगा इसमें, हम ये नॉर्मल बना रहे हैं क्योंकि बच्चों को बना रहे हैं तो नॉर्मल बना रहे हैं, तो इसलिए हम ये सब सामान डाल रहे हैं। आपको जैसे बनाना हो, जिस तरीके से बनाना हो आप बना सकती हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए गाइस, ये हमारा सिंघाड़ा है जो छीला हुआ है, इसे हमने जब ले आया था तो खूब अच्छे से धोया था, धोने के बाद इसे हमने छीला। जैसे कि आपके पास ऐसा कटर होगा, चिप्स वगैरह तो बनाती होंगी, तो उसी कटर से हमने भी काटा हुआ है। देखिए इस तरीके से इसे सलाद भी बहुत अच्छा कट जाता है, आप चाहे तो इसे सिंघाड़ा भी अच्छे से काट लीजिए। देखिए कितना अच्छा पीसेस निकल रहे हैं, आप देख सकती हैं। अगर बड़ा सिंघाड़ा लेंगी तो पीसेस बहुत अच्छे निकलेंगे, अगर छोटा लेंगी तो कट कट होंगे और छोटा पीसेस निकलेंगे, सबसे बड़ी चीज़ ये है, देख सकती हैं। जैसे फिर हम आपको एक दिखा रहे हैं इसी तरीके से, देखिए इस तरीके से देख सकती हैं कितना सुंदर सुंदर पीसेस कटे हैं। इससे क्या है मशीन से कि सम्मा पीसेस निकल जाएंगे, और हाथ से हम काटेंगे तो मोटा निकलेगा, तो थोड़ा पकने में टाइम लगता है और कुरकुरा नहीं रहता है। तो हम आपको हाथ से भी काट के दिखा रहे हैं लेकिन ये पीसेस नहीं निकल पाते हैं, थोड़ा कट जाते हैं। आप कितना भी करेंगी लेकिन बहुत मोटा मोटा पीसेस दिखे रहेगा, देख सकती हैं इसकी लंबाई चौड़ाई, और ये वाली को आप देख सकती हैं इस पीसेस को जो मशीन से हमने किया है, देख सकती हैं कितना डिफरेंस है। तो अगर आप इस तरीके से काट के तलेंगी तो आपका बिल्कुल कुरकुरा रहेगा, एकदम मार्केट की तरह चिप्स रहता है जैसे।